इंडिया की पहली और इकलौती मिसेस वर्ल्ड 2001 अदिति गोविंदरिकर ने ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांतिवन मुख्यालय का किया दौरा। संस्था के मुख्य प्रशासक राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी समेत कई पदाधिकारियों से की मुलाकात। गॉलीवुड स्टूडियो द्वारा संचालित मेडिटेशन सेंटर में देखी संस्था के साकार संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा के जीवन पर आधारित एनिमेटेड फिल्म द लाइट। राज्यों का अभ्यास करने के लिए बीके डॉक्टर दीपक हरके के साथ मुख्यालय पहुंची हैं अदिति गोविंदरिकर। अदिति जी, आप पहली बार ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर आए हैं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस लगा, कैसा रहा आपको यहाँ पे आकर? बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर सुख शांति जो महसूस होती है, वाइब्रेशंस अलग है, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो एक फैमिली की तरह रहते हैं, और वो बहुत एविडेंट हो जाता है, और उससे जो एनर्जी होती है वो अलग ही महसूस होती है। और अभी आप यहाँ पर गॉलीवुड स्टूडियो के नए मेडिटेशन सेंटर में द लाइट मूवी को देखने आए हैं जी, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपको कैसी लगी ये मूवी, क्या एक मैसेज आप अपने साथ लेकर जाएंगे इस मूवी को? जी, मुझे बहुत डिटेल में पता नहीं था कि ये कैसे एस्टैब्लिश हुआ। द फिल्म शोड मी दैट एंड इट्स वेरी वेरी वेल मेड, इट्स वेरी एंगेजिंग। बहुत अच्छा एनिमेटेड फिल्म बनाई है सुजीत सरकार जी ने, एंड या आई मीन इट्स वेरी नॉलेजेबल, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। गोवा के पणजी में 23 से 27 सितंबर तक ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा विहासा प्रोजेक्ट के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। मुख्य वक्ता रहे मुंबई से आए डॉक्टर सचिन परब। आयकर आयुक्त कार्यालय में सक्सेस थ्रू माइंड पावर विषय पर कर्मचारी और अधिकारियों के लिए कार्यक्रम। मापुसा पुलिस स्टेशन में स्वास्थ्य और ध्यान पर चर्चा। रायबंदर के आयुष हॉस्पिटल और ओल्ड गोवा के हेल्थवे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और स्टाफ के लिए स्वास्थ्य और ध्यान पर कार्यक्रम। डोनापोला के आर लेडी ऑफ द रोजरी हायर सेकेंडरी स्कूल और पणजी के पीपल्स हाई स्कूल में छात्रों के लिए डिजिटल वेलबींग और नशा मुक्ति पर सत्र, और गोवा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए विशेष विहासा कार्यक्रम। डॉक्टर सचिन परब और बी के अपराजिता बहन का इन कार्यक्रमों में रहा विशेष सहयोग। यूपी के कासगंज सेवा केंद्र पर 3 दिवसीय राजयोग शिविर। बी के सुनीता बहन ने विस्तार से दी राजयोग प्रणाली की जानकारी और सभी को कराया राजयोग का प्रशिक्षण। छत्तीसगढ़ के बसना पहुंचे वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बी के भगवान भाई। शासकीय हाई स्कूल में सर्वांगीण विकास के लिए नैतिक शिक्षा जरूरी विषय पर कार्यक्रम। बच्चों को बताया देश की सच्ची संपत्ति और कहा कि उनके सर्वांगीण विकास के लिए भौतिक शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नैतिक शिक्षा से होता है चरित्र का निर्माण। बी के प्रीति बहन ने भी बच्चों में नैतिक गुणों की महत्ता पर जोर देते हुए सभी को राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास के लिए सेवा केंद्र पर आने का दिया निमंत्रण। भुवनेश्वर बीजेपी नगर सेवा केंद्र द्वारा डीएम रिजॉर्ट्स में चैतन्य देवी दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भुवनेश्वर सबजोन प्रभारी बीके रीना देवी ने किया, जिसमें 1000 से अधिक दर्शक और लाखों ऑनलाइन दर्शक शामिल हुए। बीके छात्रों ने देवी देवताओं की भव्य झांकी प्रस्तुत की, साथ ही चिकित्सकों और अन्य अतिथियों ने राज्यों के लाभों पर चर्चा की। बीके उर्मिला और बीके सुमित्रा बहन ने प्रेरणादायक व्याख्यान और कविताएं प्रस्तुत की, साथ ही भास्करेश्वर योग पीठ और साई स्मृति नृत्य अकादमी के बच्चों ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए। ब्रह्मा कुमारी दुर्ग स्थित आनंद सरोवर में दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर दुर्ग जिला की संचालिका बीके रीटा बहन ने दशहरे का आध्यात्मिक रहस्य बताया और बुराइयों पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बताया। उपस्थित भाई बहनों ने अपनी बुराइयों को एक पत्र में लिखकर रावण दहन के समय उन्हें जलाया और परमात्मा के प्रति संकल्प लिया कि वे नई दुनिया की स्थापना में योगदान देंगे। यह पर्व आत्म चेतना और सकारात्मकता का प्रतीक बना। ब्रह्मा कुमारी बैंगलोर गोटीगिरे सेवा केंद्र ने नवरात्रि के विशेष अवसर पर दुर्गा के 9 रूपों का थीम प्रस्तुत किया। राजयोगिनी बी के अंबिका दीदी ने इस त्योहार का आध्यात्मिक महत्व बताया। इस कार्यक्रम में 300 से अधिक लोग शामिल हुए और लाभान्वित हुए। ब्रह्मा कुमारी पीस पैलेस जयपुर ने 3 दिवसीय नव दुर्गा चैतन्य झांकियों का सफल आयोजन किया। चैतन्य देवियों की अद्भुत सुंदरता और आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी ने सभी को मोहित किया। विशेष अतिथियों ने कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें श्रीमती संतोष अग्रवाल और डॉक्टर आरपी खेतान भी शामिल रहे। बी के कविता बहन ने मेडिटेशन से शांति का अनुभव कराया। अंत में सभी भक्तों को प्रसाद भी वितरित किया गया। नेपाल काठमांडू स्थित ब्रह्मा कुमारी राजयोग केंद्र जाथा थमेल में दशाइन पर्व के अवसर पर एक विशेष शुभकामना कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस श्रद्धापूर्ण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाई बहने शामिल हुए और राजदीदी से तिलक प्राप्त कर समृद्धि और कल्याण का आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम का आकर्षण चैतन्य दुर्गा देवी की सुंदर झांकी थी, जिसने दिव्य वातावरण को और बढ़ाया। तिलक समारोह के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने नेपाल की समृद्ध विरासत को उजागर किया। मुख्य अतिथि श्री सूरज चंद्र लामिछा ने, बेगमती प्रदेश के आंतरिक मामले एवं कानून मंत्रालय के प्रतिनिधि ने, ब्रह्मा कुमारीज केंद्र के अध्यक्ष बी के राजदीदी और प्रोफेसर विशाल सितवाला के साथ मिलकर आध्यात्मिक एकता का संदेश दिया। यह कार्यक्रम भक्तों के लिए विश्वास और परंपरा का एक सार्थक उत्सव बना। मुंबई स्थित दादर सेवा केंद्र में नवरात्रि के 9वें दिन शीदेवाड़ी भवानी देवी के यहाँ व्यसन मुक्ति पर 15 मिनट का ड्रामा आयोजित किया गया। इस दौरान मुंबई के महाराज नव निर्माण सेवा के संस्थापक राज ठाकरे की पत्नी श्रीमती शर्मिला राज ठाकरे ने कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्मा कुमारी बहनों ने उन्हें संस्था का परिचय दिया और बीके जागृति बहन एवं हेमा बहन द्वारा चुन्नी उड़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम ने समाज में सकारात्मक बदलाव का संदेश दिया। ऐसे सनातन धर्म संस्था ने दशहरा पर आयोजित कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी साइंस सेवा केंद्र की वरिष्ठ आयोजक शिक्षिका बीके माला बहन को विशेष तौर पर आमंत्रित किया। बीके माला बहन ने मंच साझा करते हुए दशहरा के प्रति आध्यात्मिक संदेश दिया। इसके बाद आयोजकों द्वारा माला बहन को सम्मानित भी किया गया।